पूर्व मंत्री की नाती की करतूत पर पंजाबी समाज नाराज है। युवती पर कार चढ़ाने के प्रयास में पंजाबी समाज एकजुट होकर कार्रवाई के लिए आवाज उठा रहा है। प्रेस वार्ता कर ऐलान किया गया कि अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जा सकता है। सर, मैं 15/4/2024 को अपनी बेटी को आगरा फोर्ट स्टेशन से घर के लिए लेकर आया था। तभी गाड़ी, जैसे ही गाड़ी मैंने गेट के सामने रोकी है, पीछे से एक बेटी गाड़ी से उतर रही है। पीछे से दिव्यांश चौधरी नाम का लड़का, सफ़ेद रंग की इनोवा, गाड़ी नंबर 1000, उसने जस्ट बेटी को हिट करा। बेटी गिरी, उसने आवाज़ लगाई, मैं बाहर आया तो मेरे को हिट किया, फिर मैं दूसरी साइड गया, फिर उसने मेरे को दोबारा हिट किया। और ऐसा करते जैसे पब्लिक आने लगी तो उसने गाड़ी बैक करी, गाड़ी लेकर भाग गया। इससे पहले भी मैंने 24 में एक FIR पहले भी की हुई है। पहले छोटी घटनाएं करता था, कभी स्कूटर की चाबी ले आना, धमकी देना, जान से मारने धमकी देना, गाड़ी से कुचलने की धमकी देना, ऐसे करना, कभी गाली गलौज सड़कों पे करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, जबरदस्ती बेटी पे दबाव बनाना शादी का, ऐसी उनके खानदान की तरफ से प्रक्रिया चल रही। मंशा कोई समझ नहीं है, वो बच्चे की दो चार मीठी बातों को प्यार समझ बैठा अपना और उसमें शादी का दबाव बना रहा था। बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं, व्यवहार बातचीत होती है, तो उसको कोई आदमी गलत मतलब निकाल ले। जब बेटी ने 2 साल 2.5 साल से उससे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया हुआ है, वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है, आज 1 साल से वो लखनऊ नौकरी करती है मेदांता हॉस्पिटल में, तो वो अपने जीवन जी रही है, अपना कर रही है, सब काम कर रही है, पर तुम किसको कैसे विवश थोड़ी कर सकते हो किसी को कि आज आप मेरे साथ शादी करें, जबरदस्ती के पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर 2-4 बातें आपकी सड़क पे या घर पे कैसे हो गई हैं, थोड़ा मिलना जुलना हो गया, ये ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप होता है, सब मिलते जुलते हैं, सब होता है। हमने सब शिकायतें की हैं, कई बार पुलिस स्टेशन तहरीर दी थी, FIR भी हुई हैं और 2 माफ़ीनामे हैं हमारे पास। एक लखनऊ में इसे घर में घुसने की कोशिश की, जब पुलिस के द्वारा वहाँ पर माफ़ीनामा लिखवाया गया। आगरा के अंदर भी इसने गलत हरकत की, जब भी आगरा पुलिस स्टेशन पर इसका माफ़ीनामा लिखा हुआ है। और इसके घर वालों से भी मैंने कंप्लेंट की, डायरेक्ट जाके कंप्लेंट की। जब चौधरी उदयभान सिंह जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि लड़का नहीं करेगा, इनकी मौसी है नीतू चौधरी, उन्होंने से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब आगे से लड़का नहीं करेगा। 3-4-5 बार घर में कंप्लेंट हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, FIR दी है, तहरीर दी है, 1090 पे कम से कम 12 से 15 कंप्लेंट है। जब भी कुछ धक्का करता था हम 1090 1076 जो भी कॉमन नंबर्स हैं उन पर कंप्लेंट डालते थे। बस यही होता था, इतना शातिर लड़का है, वारदात यहाँ करेगा, मोबाइल वहाँ छोड़ कर आएगा, पुलिस वाले बोलेंगे कि साहब उसकी लोकेशन तो वहाँ की दिखा रही है, और आप बता रहे हो शागन की, उसकी लोकेशन फतेहाबाद रोड की दिखा रही है, उसकी लोकेशन पश्चिमपुरी की दिखा रही है। वो शातिर दिमाग के लड़के हैं, अपने मोबाइल को सर्विलेंस से अलग रखते थे और वारदात नहीं करते थे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें साहब योगी मोदी जी से न्याय चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सब माहन परिवार, पंजाबी समाज अगर मेरा साथ देंगे तो मैं BJP को वोट नहीं करूंगा। जबकि दशकों से हमारे दादा हमारे परदादा BJP की सेवा करते आए हैं और उस सेवा का हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। बाकी पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, पर पुलिस प्रशासन को और गति से काम करना चाहिए। कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं है कि आप एक सिंपल से आदमी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। काम कर रहा है पुलिस प्रशासन, हमें विश्वास है, पर और गति से करें और हमें न्याय दिलवाएं। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।